इसकी विड्थ ज्यादा होने की वजह से इसका सूट बहुत आराम से बन गया था। मैंने इसको डबल फोल्ड पहले कर लिया है, अब मैं फोर फोल्ड कर लूंगी और ऐसे इसका सूट ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि अगर हमारी चौड़ाई कम हो तो हमें डबल करना पड़ता है, ऊपर से नीचे को डबल करना पड़ता है। लेकिन ये मैंने ऐसे ही फोर फोल्ड कर दिया है अच्छे से, और इनकी लंबाई 40 इंच है और मैंने 43 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इनका तीरा हमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि इन्होंने बैक साइड का नेक जो है बहुत छोटा मांगा था, 2.5 इंच मांगा था। अगर बैक साइड का नेक छोटा हो तो तीरा हमें ज़्यादा रखना होता है। इनकी बस्ट थी 45 इंच और मैंने तीरा 7.5 इंच लिया है और नीचे को 7 इंच का निशान लगा दिया था। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे हमारा 45 इंच था, उसका 4 भाग हो गया 11.25 पर, 8 इंच पर कमर का और 15.5 पर मैंने हिप का निशान लगा दिया था। इनकी हिप है तो इनकी हाइट कम थी, लेकिन ये थोड़ी हैवी साइज की थी, इसलिए हिप मैंने 15 इंच पर ही लगाई है। और बस्ट से 2 इंच सीधा ले लेना है हमें, और 2 बार मोड़े की गुलाई का निशान भी मैंने लगा लिया है। चौक दिख नहीं रहे, क्योंकि सूट ना थोड़ा सा प्रिंटेड सा है, प्लेन सूट हो तो फिर अच्छे से दिख जाते हैं चौक। कमर इनकी थी 43 इंच और वो मैंने 11.25 इंच लगाया है, और चेस्ट पर लगाया था 11.25 इंच का निशान, और हमारी हिप थी 48 इंच, 12 इंच का निशान लगा दिया था। एक जाना जाए तो फिर सभी पीछे पीछे चल पड़ते हैं, तो देखो कैसे कपड़ा इकट्ठा करके भाग रही हैं। और अब मैंने इसको बस किनारे ही कट करनी है, क्योंकि थोड़ा सा ही ज़्यादा था और हमने लंबाई के पास से इसे कट कर लेना है। अब हमारा आगे का पल्ला हम अलग कर लेंगे। पहले मैंने आधा इंच कंधे से डाउन करना है इसे। अब हम आगे का पल्ला अलग करके इसे दोबारा से काट डालेंगे, जो हमारे मोढ़े की आगे वाली काट होती है। बहुत ही अच्छा कपड़ा था ये, बहुत ही मुलायम था। जब मैंने पकड़ा ना इसको, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ ब्लैक कलर की सलवार सिलवाई है उन्होंने। सुनीता आंटी ने अमेरिका जाना है, ये सूट तो अमेरिका पहुंच गया होगा। सूट बहुत लकी है, हम तो इधर ही बैठे हैं गर्मी में, सूट तो अमेरिका पहुँच गया। उनकी बेटी अमेरिका रहती है, उन्होंने जाना था इसलिए उसने सिलवाया था मेरे से। इसके शर्ट की साथ की पट्टी बच गई थी, वो बोल रहे थे दुपट्टे पर लगाना है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, क्योंकि बेटी के लिए भी शॉपिंग करनी होगी ना, तो उनको टाइम ही नहीं मिला अपना दुपट्टा लाने के लिए। बोल रहे थे कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही प्लेन ही ले जाना है। पहले बोल रहे थे पट्टी लगा देना, ये जो शर्ट का पीस बचा है उसका। अब मैंने फिटिंग को पक्का कर लिया है उस तरफ से, डार्क करके दूसरी तरफ भी निशान ले लूँगी मैं थपथपाकर, और मोरे वाले आगे वाले गले का निशान भी मैं साथ ही लगा लूँगी चौक के साथ। अब तो कपड़ा सेट हुआ है, फिर दोबारा से हमें सेट करना पड़ेगा गले का निशान लगाने के लिए, इसलिए मैंने साथ में ही लगा रही हूँ। इससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा अगर साथ में ही काम कर लो तो। नेक का निशान भी मैंने लगा लिया है, और निशान दिख नहीं रहे थे इसलिए मैं दोबारा दोबारा डार्क करके सेट करके लगा रही हूँ निशान। इन्होंने प्लेट नहीं डलवाने थे, क्योंकि प्लेट डालने का फ़ायदा नहीं, उसने खुला खुला सिलवाना था। बंदे के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन तंदुरुस्ती तो है भगवान ही देता है। ये ना बहुत थायराइड है, पता नहीं क्या क्या है, आंटी को बोल रही थी मेरे से टाइट कपड़े नहीं पहने जाते। मैंने उसका नाप 1-1 इंच फुल लूज ही लिया था, लेकिन फिर बाद में और खुला करवा के फिर लेके गई है वो। अब मैंने बैक साइड के पल्ले के ऊपर नेक कट करना है बस। फ्रंट के ऊपर हमने फिटिंग के निशान दोनों तरफ लगा लिए। अब ये 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच ही लंबा मैंने छोटा सा नेक कट कर दिया है इनका। बैक साइड का गले का नेक 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा, छोटा सा ही चाहिए था उनको, ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था। फ्रंट वाला नेक उन्होंने डीप मांगा था मेरे से, लेकिन बैक वाला बोल रहे थे बिल्कुल छोटा रखना, सर्वाइकल है पता नहीं थायराइड है, ऐसा बोल रही थी आंटी। अब मैंने इसको स्लीव निकालनी है, कपड़ा चौड़ाई में काफ़ी था ना, काफ़ी बच गया था। अगर बोलते तो मैं दुपट्टे पर लगा देती, लेकिन वो दुपट्टा लेकर आई ही नहीं, टाइम नहीं मिला उनको। और बाजू इनकी थी 14 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने लंबाई का निशान लगा लिया है। चौड़ाई में लगभग हमें 10 इंच चाहिए होता है कपड़ा, और वो भी मैं नाप कर फिर कट कर दूंगी सीधा सीधा, बाद में हम इसका ड्राफ्ट बनाएंगे। अगर कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और शॉर्ट वीडियो में मैं डॉग्स की वीडियो डालती हूँ, वो भी प्लीज़ जाकर जरूर देखा करें। अब मैंने 3 इंच की गुलाई उधर से डाल ली है, और जो मोरी थी उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। खुला खुला सूट ही मांगा था उन्होंने, ज़्यादा टाइट नहीं मांगा था, इसीलिए मैंने प्लेट भी नहीं डाले। प्लेट डालने तो फिर फिटिंग वाले सूट बन जाते हैं, उनको खुला ही चाहिए था। ये सलवार का कपड़ा बहुत मुलायम था, ब्लैक कलर का है ये, और मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है, और जितना हमारा पहुँचा है उतना मैंने फोल्ड कर लिया है। ऊपर को 6.5 इंच पहुँचा था, 6.5 इंच कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। इनकी सलवार बहुत छोटी है, 33 इंच सलवार थी इनकी।
सलवार छोटी है, किस्मत बहुत लकी है, अमेरिका चली गई आंटी। हमारा तो भगवान कभी बनाएगा तब भी नहीं जा सकते, डॉग थोड़ा ना मैं छोड़ सकती हूँ, फिर उनको खाना कौन देगा, इतने सारे डॉग हैं मेरे। कई लोग जा रहे हैं, काफ़ी डॉग लवर भी जा रहे हैं, एक तो मैंने सुना है चली गए हैं, फिर पता नहीं किसके पास छोड़ के गए हैं अपने एनिमल। तो 30 इंच में 3 इंच बढ़ाकर मैंने 8 इंच कम किया था, लेकिन फिर बाद में वो बोल रहे थे हमारी बेल्ट कम चौड़ी होती है, फिर मैंने 7 इंच कम करके निशान लगा लिया था, और इधर से 10 इंच का निशान लगा कर 2.5 इंच आगे को लगा दिया था, और अब हम कट कर देंगे इसको। बहुत आसानी से सेमी पटियाला सलवार कट हो जाती है, और ये कपड़ा भी अच्छा था। कई कपड़े तो बहुत कानसी वाले होते हैं, कभी उधर से बढ़ गए कभी इधर, इसको जहाँ सेट करो वहाँ ही सेट हो गया था, बहुत अच्छा कपड़ा था। महंगा सूट लेके आई होगी आंटी, आंटी के पास बहुत पैसे हैं, मेरे को ऐसे बोलती, मेरे से भावे ज़्यादा ले लें पैसे पर मेरा सूट ऐसे कर दी ऐसे कर दी। अब मैंने 4 कुंदे और 2 सांझे पल्ले कट कर दिए हैं, और ये सूट तो अमेरिका पहुंच गया होगा, मैंने दे दिया सिलाई करके। ये मैं वीडियो अब डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं कट करके वीडियो रख लेती हूँ स्टिच करके, फिर बाद में वीडियो डालती हूँ मैं। और अब मैंने बेल्ट कट करनी है, इनकी बेल्ट मैंने 7 इंच चौड़ी लेनी है, और जितनी हमारी हिप थी उससे 4 इंच ज़्यादा लेनी है। हिप थी 48 इंच, 48 का इंच हो गया 24, 25, 26, 27, 28 इंच की बेल्ट लेनी थी, काफ़ी हैवी साइज है आंटी का, और इसे कट कर देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही इजी सूट कट किया है हमने, सिंपल बिल्कुल बिना